ओके सो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लेंडर वीडियो। और आज के इस ब्लेंडर वीडियो में हम एक और एब्स्ट्रैक्ट एनिमेशन बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपने ब्लेंडर में आ गए हैं। सबसे पहले इस डिफॉल्ट क्यूब को हटाएंगे हमेशा की तरह, और शिफ्ट ए दबाएंगे और एक टोरस ऐड करेंगे। इसको कर लेंगे 64, इसको भी कर लेंगे 64। और अब करेंगे शेड ऑटो स्मूथ। तो मैश काफ़ी स्मूथ बन गया है। और अब इसको हम इसको ट्विस्ट करेंगे, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा इसको ट्विस्ट करके एक अच्छा सा एक पैटर्न बनाएंगे। तो आपको जाना है मॉडिफायर्स टैब पर और ये सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर ऐड करना है। देखिए ये हमारा मैश पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, ये ट्विस्ट होने लगा है, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्विस्ट पर सेट करके रखा है। लेकिन अभी ट्विस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इस पर एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ना, ठीक है। और अब फिर से अपने मॉडिफायर पर जाएंगे और ये जो ओरिजिन है इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पर एम्प्टी, और ये जो एक्सिस है इसको हम सेट कर देंगे वाई, और ये जो 45 डिग्री एंगल की वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बन गया है। तो अब एक काम करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं। ये लाइट्स भी सिलेक्ट हो गई। इस पूरे को अपने मेश को और प्लेन एक्सिस को सिलेक्ट करिए और इसको रोटेट करिए वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर इसको रोटेट कर दीजिए, XRX90। अब ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न बन चुका है सिंपल सा, बस इसको हमें ट्विस्ट किया है अपने मेश को। सबसे पहले हम इसकी शेडिंग कर लेते हैं। तो हम शेडिंग टैब में आ जाएंगे और इस पर एक नया मटेरियल ऐड करेंगे और इस प्रिंसिपल BSDF को हटा देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर ऐड करेंगे एक ऐड शेडर और फिर इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे इसको, और शेडर को जोड़ देंगे सरफेस में और इस शेडर के इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। और अब ऐड करिए रिफ्रैक्शन BSDF और इसकी अब इसकी दो बार डुप्लीकेट्स कर लीजिए, शिफ्ट डी और फिर BSDF को इस शेडर में जोड़ दीजिए, इस BSDF को इस शेडर में और इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए और इसको यहाँ पर। कलर में हम इन तीनों का कलर RGB सेट करेंगे, इसका R, इसका G और इसका B। तो कलर में जाइए, ग्रीन और ब्लू वैल्यू को एकदम लो कर दीजिए और फिर यहाँ पर आइए और फिर इसमें R और B वैल्यूज़ को एकदम कम कर दीजिए और यहाँ पर R और G वैल्यूज़ को एकदम कम कर दीजिए। और ये जो IOR वैल्यू है, सबसे पहले इस रिफ्रैक्शन शेडर की IOR वैल्यू सेट कर दीजिए 1.4 और इस शेडर की 1.42 और इसकी सेट कर दीजिए 1.44। तो देख सकते हैं कुछ चेंजेस अभी से आने लगे हमारे मेश में, एकदम कुछ ग्लास जैसा लगने लगा है। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इस एनिमेशन को हम साइकिल्स में रेंडर करेंगे। अब क्या करना है, हमें इन सब का ग्रुप बनाना है। तो क्या करिए, इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, अपने मटेरियल आउटपुट को सिलेक्ट मत करना, सिर्फ इतना सिलेक्ट करना अपने मटेरियल आउटपुट को सिलेक्ट मत करना, सिर्फ इतना आपको सिलेक्ट करना है, आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको इतना सिलेक्ट कर लिया, अब दबाइए टैब ओ कंट्रोल जी दबाएंगे, देखेंगे एक ये नोड जैसा कुछ आ गया है, ब्लैंक नोड है वैसे ये। और अब इसकी जो आउटपुट दिख रहा है इसको आप सेट करिए, जोड़ दीजिए रफनेस में, इसको भी रफनेस में जोड़ दीजिए। एक ही आउटपुट इस नोड के एक ही आउटपुट को आपको इन तीनों नोड के रफनेस में जोड़ना है। तो और अब इसको भी इसके रफनेस में जोड़ दीजिए, रफनेस में। और ये जो आपको दूसरा आउटपुट दिख रहा है इस आउटपुट को इसको जोड़िए नॉर्मल में, तीनों नोड्स के नॉर्मल में एक ही आउटपुट जोड़ दीजिए।
और फिर से टैब दबाइए तो देख सकते हैं हमारा एक सामने जो जितना इतना नोड सेटअप बनाया था इसका एक ग्रुप बन गया है। तो अब आगे करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग, शिफ्ट ए दबाइए फिर से और कलर रैम्प ऐड करिए, कलर रैम्प, और कलर रैम्प के कलर को इसकी जोड़ दीजिए रफनेस में। तो देख सकते हैं कलर रैम्प का कलर इसकी रफनेस को कंट्रोल कर रहा है, ये देख सकते हैं कलर, अब इस कलर रैम का कलर है इस अपने मामा इमेज की रफनेस को कंट्रोल कर रहा है। और अब इसमें जोड़ दीजिए एक वोरोनोई टेक्सचर, वोरोनोई वोरोनोई टेक्सचर, इसके डिस्टेंस को इसके फैक्टर में जोड़ दीजिए, डिस्टेंस को इसके फैक्टर में जोड़ दीजिए। तो अब आपको कंट्रोल टी दबाना है, अगर आपका अगर आप आपको सबसे पहले एक एड ऑन इनेबल करना है नोड रेंगलर, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, एडिट पे जाना है आपको, प्रेफरेंसेस, एड ऑन्स, और यहाँ पर सर्च करिए नोड रेंगलर। तो जब ये नोड रेंगलर एड ऑन दिख रहा है आपको, तो जब आप इसको इस एड ऑन को इनेबल कर देंगे फिर आपको इस वोरोनोई नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाना है, तो आपके ये दोनों नोड्स अपने आप जुड़ जाएंगे। तो हमने वोरोनोई नोड ऐड कर दिया, थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स को टॉगल करके देखते हैं, देखते हैं इसकी सेटिंग्स को टॉगल कर दे, देखिए इसकी स्केल को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं हमारे इमेज में। और अब आपको जो F1 वैल्यू है इस पर इसको सिलेक्ट करना है और जाना है डिस्टेंस टू एज, अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ खास नहीं लग रहा है मेश में, लेकिन देख सकते हैं अगर आप इसकी वैल्यूज स्केल वैल्यूज़ को टॉगल करेंगे तो देख सकते हैं कुछ पैटर्न्स बन के आ रहे हैं। और कलर रैम्प में जाना है और इस ये जो आपको छोटा सा एरो दिख रहा है इस पर दबाना है और ये सेट करना है फ्लिप कलर रैम्प, और ये जो ब्लैक पोर्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो देख सकते हैं हमारी कुछ लाइंस बन के आ गई है हमारे मेश पर, बहुत अच्छी जी हमारे मेश पर कुछ लाइंस बन के आ गई हैं। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम इसको आगे और डिज़ाइन करेंगे। तो पहले इस नोट को किनारे कर दीजिए, इस नोट को भी किनारे कर दीजिए और सर्च करिए मसग्रेव टेक्सचर, मसग्रेव टेक्सचर को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक जोड़ रख दीजिए। तो सकते हैं कुछ मसग्रेव पैटर्न्स भी आ गए हैं, और सबसे पहले इन सबको किनारे कर दीजिए और सर्च करिए मिक्स मिक्स कलर शेडर, और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। आपको जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोट का जो ऑब्जेक्ट आउटपुट दिख रहा है आपको इसको जोड़ना है मसग्रेव टेक्सचर के वेक्टर में, और इसी आउटपुट को आपको जोड़ना है ऑब्जेक्ट मिक्स, इस टेक्सचर कोऑर्डिनेट के ऑब्जेक्ट आउटपुट को आपको मिक्स शेडर के बी में जोड़ देना है। और वो मसग्रेव टेक्सचर पे आते हैं, थोड़ा सा स्केल इसकी कम कर देते हैं, स्केल इसकी थोड़ी कम कर देंगे, डिटेल को बढ़ा देंगे और फैक्टर को पूरा बढ़ा देंगे, हल्का सा इसको कम कर देते हैं, हल्का सा एकदम इसको ज़रा सा आपको बस थोड़ा सा कम कर देना है, ज़्यादा नहीं इतना ठीक है। और इस लैकुनैटी को भी थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है हल्का सा, ताकि थोड़ा सा नहीं कहते कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा लुक आ जाए। लैकुनैटी को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको पहले मैं सबसे पहले मैं लैकुनैटी को पूरा ज़ीरो कर देता हूँ और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखते कैसा कैसा पैटर्न बन के आता है। अब ठीक है, अब सही पैटर्न बन गया है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, अब ठीक है। और कलर रैम पे जाते हैं, थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ को और देखते हैं, इतना ठीक आ रहा है। और इसकी यहाँ से आप इसकी स्केल भी सेट कर सकते हैं, आपको कितने ज़्यादा पैटर्न्स चाहिए या फिर कितने कम पैटर्न्स चाहिए वोरोनोई टेक्सचर की। और इसकी मसग्रेव टेक्सचर की स्केल को भी थोड़ा सा टॉगल करते हैं, अब ठीक है, इतना ठीक है, ये पैट तो एक हमारा मेश बन गया है। और अब आपको क्या करना है,
इसको शिफ्ट डी करना है, इसके इसका डुप्लीकेट बनाना है और इसको छोटा कर देना है। स्केल शिफ्ट डी दबाना है और फिर आपको एस दबा देना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। इस पर हम एक दूसरा मटेरियल ऐड करेंगे, तो अपने इस वाले मेश को हाइड कर देते हैं। और सबसे पहले आपको अपने इस मेश को सिलेक्ट करना है जिसका हमने अभी डुप्लीकेट बनाया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मटेरियल नेम के एकदम साइड में टू, इसको दबा देना है। तो अब क्या करना है, अब हमें इस पूरे टेक्स्ट अब हमें इस पर से इस मटेरियल को हटा देना है, क्योंकि हम इस पर एक दूसरा मटेरियल ऐड करेंगे, दूसरा एक टेक्सचर बनाएंगे। तो इसको हटा देते हैं और इस पर एक नया मटेरियल ऐड करेंगे, इस प्रिंसिपल BSDF को हटा देंगे। अब इस पर सबसे पहले एक एमिशन नोड ऐड करेंगे, एमिशन, अब इस और इसको इसके सरफेस में जोड़ देंगे। और इस पर ऐड करेंगे कलर रैम्प, कलर रैम्प, कलर रैम्प के कलर को उसकी स्ट्रेंथ में जोड़ देंगे। और फिर इस पर ऐड करना है वोरोनोई, वोरोनोई टेक्सचर, इसके डिस्टेंस को इसके फैक्टर में जोड़ देंगे। देखते देखते कुछ पैटर्न्स बन के अभी से आने लगे हैं। तो सबसे पहले इस पर और डिज़ाइन करने से पहले आपको ये जो कैमरा आइकन दिख रहा है इस पर जाना है और ब्लूम को और इसकी स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को चालू कर देना है और एम्बियंट ऑक्लूजन को भी ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस वॉर टेक्सचर्स टेक्सचर की वैल्यूज थोड़े देखते हैं। यूक्लिडियन, मैनहट्टन, चेबीचेव, गाउस्की, यूक्लिडियन पर रहने देते हैं डिफॉल्ट। और हमें ऐड करना है एक लेयर वेट, लेयर वेट इसके फ्रंटल को इसके जोड़ देंगे वेक्टर में। तो अब इस पर हम कलर करते हैं, अपने कलर रैम पर आ जाएंगे और ये जो वाइट पोर्शन है, ये जो वाइट ब्लैक स्लाइड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर एक कलर ऐड करेंगे, एक डार्क ब्लू। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं तो ये कलर लूँगा। और एक एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, ये जो स्ट्रेंथ वैल्यू है, आपको इसके कलर को इस आपको कलर रैम के कलर को एमिशन शेडर के कलर में जोड़ना है, स्ट्रेंथ में नहीं जोड़ना है। तो आपस में कलर रैम पर आ जाते हैं। एक नोट, एक कलर मैंने लिया डार्क ब्लू और एक कलर को मैं लूँगा थोड़ा सा लाइट ब्लू, इतना से लाइट ब्लू लेना है। और इसकी और इसको थोड़ा सा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसकी और ये जो वॉर्नर टेक्सचर की थोड़ी सी स्केल बढ़ा देते हैं और इसमें रैंडमनेस थोड़ा सा और इसकी वैल्यूज को और अलग अलग इसे पैटर्न्स को देखते हैं। ये मैनहट्टन ज़्यादा सही लग रहा है, मैनहट्टन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं। अब ठीक है, यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को और यहाँ से आप इसके कलर्स को और देख सकते हैं किस प्रोपोर्शन में आएंगे। अब ठीक है, और अब लेयर वेट पे आ जाते हैं। इसके पहले ब्लेंड वैल्यूज को टॉगल करके देखते हैं। इसकी फेसिंग को जोड़ कर देखते हैं। ओ नहीं, ये सही नहीं आ रहा। फ्रेनल को इसमें जोड़ देते हैं। अब ठीक है, अब हमारे दोनों बन गए हैं। तो आपको सब आपको एक अब इस पर एक चीज़ और करनी है कि आपने जो अभी जो मैंने बनाया है इस वाले मेश पर, आपको इसकी स्ट्रेंथ वैल्यू को बढ़ा देना है। इसको बढ़ाऊंगा 10, 10 पे कर देता हूँ। बाकी जब इसको हम साइकिल्स में लेके जाएंगे तब इसकी और वैल्यूज देखेंगे, अगर ब्राइट नहीं होता तो और ब्राइट कर देंगे। वापस अपने लेआउट मोड पे आ जाते हैं, आपको जी दबाना है और सॉलिड मोड पर, तो लेआउट मोड पर आ जाते हैं और ऑल्ट टच और जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू पर। तो देख सकते हैं हमारे दोनों मेश बन चुके हैं। तो अब जल्दी से हम इनको सब जल्दी से सेटअप बना लेते हैं। सबसे पहले इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और शिफ्ट ए दबाना है आपको, प्लेन ऐड करना है। इसको स्केल कर देंगे S और 7 और अब इसको आपको अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, एडिट मोड में जाना है और सब डिवाइड करना है, कट्स 10 लगा देने और इनको फेसेस को सब डिवाइड कर देना है। अब ठीक है, इतने इतना इतने सब डिविजन बहुत है। और फिर से मॉडिफाइज टैब पर जाना है और आपको डिस्प्लेस मॉडिफायर ऐड करना है, न्यू टेक्सचर, न्यू क्लाउड्स।
साइज, साइज को बढ़ा देंगे, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना इतना ठीक है। और मॉडिफाइड स्टेप पर फिर से आएंगे, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा, स्ट्रेंथ को 1 मिनट, हाँ आप सही है, आप सही आ रहा होगा, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 6.6 पर रखेंगे स्ट्रेंथ को। इसको भी शेड स्मूथ मार देंगे, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ठीक है ना, वीडियो जैसे कि वीडियो में आपने देखा है, थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सा जैगेड एजेस सा आ रहा है, तो उसको मेरे को वैसा बनाना है। अब ठीक है, अब अपना कैमरा सेट कर लेते हैं। आपको एक, आपको इस व्यू पर आना है, इस आपको अब ऐसा व्यू पर आना है और दबाना है ऑल्ट कंट्रोल 0। तो ये देखते हैं हमारा कैमरा इसी व्यू पर आ गया है, ऑल्ट कंट्रोल 0 दबाना है। तो आप जिस एंगल से अपने मॉडल को देख रहे हैं, कैमरा उसी एंगल पे अपने आप सेट हो जाएगा, ऑल्ट कंट्रोल 0। इसको थोड़ा सा कैमरा का ऊपर ले आएंगे, थोड़ा सा इसको भी, थोड़ा सा इसको, इसकी साइज और इसकी साइज को और बढ़ा देंगे। एक काम करते हैं, इसको किसी दूसरी लोकेशन पे सेट करते हैं, इसको जेड, आपको इसको उठाना है और थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देना है। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि बिल्कुल, ताकि ये ना दिखे कि कैमरा, ये हमारा मैश है वो ग्राउंड के अंदर जा रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये लेंस से बाहर जा रहा है। कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा ले, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ। कैमरे को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अब ठीक है, तो हमारे जो ये अंदर वाला मैश है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, थोड़ा सा छोटा, ताकि ये ना दिखे कि बिल्कुल अंदर जा रहा है, इंटरसेक्टिंग ना दिखे किसी ऑब्जेक्ट की। अब ठीक लग रहा, तो अब हम इस पर भी एक मटेरियल ऐड कर देंगे। आपको इस अपने ग्राउंड को सिलेक्ट करना है और शेडिंग टैब में फिर से आना है और कैमरा व्यू पर जाना है और इस पर एक न्यू कलर ऐड करना है। न्यू, इस पर भी एक एब्स्ट्रैक्ट सा एक कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको इस पर एक ह्यू सेचुरेशन वैल्यू नोड ऐड करना है और इसके कलर को इस प्रिंसिपल BSDF के बेस कलर में जोड़ देंगे। और अब इस पर आपको ऐड करना है कलर रैम्प, कलर रैम्प, कलर रैम्प, ये तो मैंने गलत नोड ऐड कर दिया, शिफ्ट एक कलर रैम्प, कलर रैम्प, और कलर को इसकी, और इसको भी, इसके कलर को भी इसके कलर में जोड़ देना है। और फिर आपको ऐड करना है एक नॉइज़ टेक्सचर, नॉइज़ टेक्सचर नोड, इसके फैक्टर को इसके फैक्टर में जोड़ देना है। और फिर आपको कंट्रोल टी दबाना है ताकि हमारे दोनों अपने आप लग जाएंगे, और फिर इस ऑब्जेक्ट आउटपुट को इसके फैक्टर में जोड़ देना है। और हम इसकी भी डिजाइनिंग कर लेते हैं, क्या करना है आपको, इस कलर यहाँ पर कुछ कलर ऐड करने हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक, मैं एक कलर ऐड कर देता हूँ, और जो प्लस साइन दिख रहा है इससे एक स्लाइडर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक रेड कलर ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक रेड कलर, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एक ब्लू कलर, यहाँ पर मैं ब्लू कलर ऐड कर दूंगा। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर, यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस, यहाँ पर पैटर्न से आप बदल सकते हैं, डिस्टॉर्शन से कुछ वाटर जैसा पैटर्न आ जाएगा। और अब आपको इस, इन चारों नोट्स को डुप्लीकेट कर लेना है, और फिर एक और नोट ऐड करना है, बम्प नोट, बम्प नोट, सर्च बम्प नोट, और फिर इसके कलर को इसकी हाइट में जोड़ देना है, और इस जो नॉर्मल वैल्यू दिख रही है आपको, इसको इसके नॉर्मल में जोड़ देना है।
और फिर आपको इन सारे कलर्स को वापस इनके डिफ़ॉल्ट कलर पे सेट कर देना है। तो मैं इस स्लाइडर को हटाऊंगा और इसको मैं वापस वाइट कर दूंगा और इसको भी वापस इसको मैं वापस ब्लैक कर दूंगा। ओ एक मिनट, एक को ब्लैक कर दिया और एक को मैं पूरा वाइट कर दूंगा। और इसको मैं हल्का सा ग्रे कर देता हूँ, पूरा ब्लैक नहीं, हल्का सा ग्रेश कर दूंगा इसको। और थोड़ा सा ग्रे, अब ठीक है, अब ठीक है। तो हमारा ग्राउंड और ये ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम जाएंगे रेंडर्ड व्यू पर और रेंडर इंजन साइकल्स और इसको कहेंगे जीपीयू कंप्यूट। लेआउट लेआउट पर चले जाते वहाँ ज़्यादा सही आएगा। रेंडर रिपोर्ट और रेंडर इंजन को बताया साइकिल सेट करना है। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है तो आप यहाँ पर जीपीयू कंप्यूट को सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में अभी से रिफ्लेक्शंस आने लगे हैं। और ये जो वर्ड लाइटिंग है यहाँ पर हम कलर में सेलेक्ट कर देंगे स्काई टेक्सचर। सन एलिवेशन को हमें पहले पूरा हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं और फिर हल्का सा बढ़ाते हैं इसको, ज़ीरो कर लेंगे और फिर एकदम नहीं एकदम डार्क कर लेते हैं, फिर हल्का हल्का सा इसको बढ़ाते हैं, हल्का सा बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको बढ़ाएंगे, हल्का हल्का सा बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा लाइट ज़्यादा ब्राइट ना हो। इसको एट कर, यार एट तो बहुत ज़्यादा हो गया, टू कर देते हैं इसको, वन कर देते हैं, नहीं वन भी बहुत ज़्यादा है, हल्का सा एकदम लाइट हो, अब ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा अंदर वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि इसकी रिफ्लेक्शंस आए। हम तो ग्राउंड ग्राउंड को थोड़ा सा और अच्छा कर बना लेते हैं, सही नहीं आ रहा कुछ। स्ट्रेंथ वैल्यू को कम कर देंगे, जो स्ट्रेंथ वैल्यू आपको दिख रही है जो हमने नोट्स की दूसरी लाइन बनाई थी, यहाँ पर जो बम्प नोट की स्ट्रेंथ वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं पूरा। और ये जो हमने नोट्स की पहली लाइन बनाई थी इसके नॉइज टेक्सचर को भी थोड़ा सा, इसकी स्केल को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, इतना इतना ठीक है, ये इतना ये। और अब ठीक है, अब हमारा ग्राउंड अब ग्राउंड ज़्यादा सही आ रहा है। और अपने वापस अपने मॉडिफायर्स सेक्शन पे जाते हैं और इसके साइज को भी और जो डेप्थ वैल्यू है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको कर लेंगे कैमरे को भी नीचे, और अपने ऑब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। और इसको यहाँ पर कर लेंगे अच्छे से, वो इसकी ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। अब ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट अच्छे से प्लेस हो गए हैं और वापस अपने वर्ल्ड लाइटिंग पे आ जाएंगे। सन एलिवेशन को हल्का सा बढ़ाते जाएंगे, एकदम हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं बढ़ाते जाएंगे। अब ठीक है, तो अब अगर अपने अंदर वाले ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे देख सकते हैं बाहर की सरफेस पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, देख सकते हैं अभी नॉइज़ आ रही है व्यूपॉइंट पर, इसे पता नहीं चल रहा होगा लेकिन रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, आ रही है, देख सकते हैं रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इसके ऊपर। तो अब एक लास्ट चीज़ और करनी है हमें, इस पर ऐड करना है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अपने रेंडर सेटिंग्स वापस जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं कैमरे सेटिंग्स पर आते हैं और सर्च करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर दीजिए और इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए, ये इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, और ये जो एफ स्टॉप वैल्यू है इसको पहले हम सबसे पहले इसको हम पूरा ज़ीरो पूरा मैक्स कर देंगे और इसको यहाँ से हल्का हल्का सा बढ़ाते जाएंगे, हल्का हल्का सा इसको इंक्रीज हल्के हल्के से इसको इंक्रीज करते हुए जाएंगे।
और ये जो हमारे अंदर की, और ये जो हमें डेप्थ ऑफ फील्ड भी आ गई अच्छे से, थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड और बढ़ा लेते हैं, वैल्यूज कम करते जाएंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती जाएगी। और ये अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, इसको 5 कर देता हूँ, नहीं इसको मैं 15 ट्राई करके देखते हैं पहले, 15 नहीं 10, 10 ठीक है, 10 ही कर देते हैं। और ये जो हमारे, हमने जो ये जो बाहर का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसकी भी थोड़ी सी, इसके भी थोड़े से पैटर्न्स को और अच्छा सा बना देते हैं, हल्का सा इसको भी और बढ़ा देते हैं। हमने जो मिक्स मिक्स नोड लगाया था, अब सही आ रहा है। तो अब फाइनली इसको एनिमेट करते हैं। तो मैं अपनी टाइम अपनी आपको टाइमलाइन पे आना है, यहाँ से आपको सेट करने हैं आपको कितने फ्रेम्स का एनिमेशन चाहिए। मैं इसको वीडियो के लिए 120 फ्रेम्स का कर देता हूँ। और सबसे पहले अपने बाहर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम 0 पर जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेन्यू है इस पर जाएंगे, और रोटेशन आपको जेड एक्सिस दिख रही है। सबसे पहले इस पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, लास्ट फ्रेम पर जाएंगे, एक फ्रेम जंप करेंगे आगे, और यहाँ पर डालेंगे 360, और फिर यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। ओ एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, एक आपको सबसे पहले आपका एनिमेशन का इंटरपोलेशन चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए आपको एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आपको दिखेगा एनिमेशन टैब, यहाँ पर आपको सेट, इसको सेट करना है लीनियर, और अब इसको एनिमेट करते हैं। यहाँ पर एक की फ्रेम, एक लास्ट फ्रेम पर एक फ्रेम जंप करेंगे, एक यहाँ पर डालेंगे 360, और फिर एक और की फ्रेम, और देख सकते हैं अब सही आ रहा है। तो अब हमने जो अंदर को ऑब्जेक्ट बनाया था, हमें इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है। वीडियो में भी देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, तो हम इसको उल्टी, हमें इसको घुमाना है उल्टी डायरेक्शन में। तो हमें, हमने इसका, हमने इसकी वैल्यू सेट करी थी पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू हम सेट करेंगे नेगेटिव में। वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है, की फ्रेम, एक लास्ट फ्रेम पे जाना है, एक फ्रेम जंप मारना है, यहाँ डालना है -360, और एक की फ्रेम ऐड कर देना है। और अब देखिए ये हमारा एनिमेशन बन गया है, और ये इसका ग्राउंड कुछ सही से नहीं आ रहा, मैं इसे ग्राउंड को और डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो ये इस लाइट को भी डिलीट कर दीजिए। अब देखिए अब सही आ रहा है हमारा एनिमेशन, और व्यूपोर्ट पे तो नॉइज आ जाती है इसलिए बढ़िया नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको जब रेंडर करेंगे तब बढ़िया आएगा। तो अब रेंडर सेटिंग्स पे आ जाते हैं, इस कैमरे के आइकन पे दबाना है, और आपको जो रेंडर मेन्यू में आपको नॉइज थ्रेशोल्ड दिख रहा है, इसको आपको सेट कर देना है 0.1, मैक्स सैंपल्स को आपको 1000 सेट कर देना है, और जो लाइट पाथ्स दिख रहा है आपको, ये लाइट लाइट पाथ्स इनको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए सबको, एक एक कुछ मैं लाइट पाथ्स को कर दूंगा 8, इस सबको मैं 3, इस सबको मैं एक एक नंबर कम कर दूंगा, इसको भी मैं 8 कर दूंगा। अब ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन बहुत फास्ट हो गया। तो इसको करने का एक तरीका है, आपने जो 120 फ्रेम्स का लिमिट सेट करी थी, इसको हम 150 फ्रेम्स का कर देंगे। और अब हम सबसे पहले अंदर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके की फ्रेम को आगे 151 फ्रेम पर सेट कर देंगे, और यही है यार, ऐसा ही हम इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ भी करेंगे, इसको हम सेट कर देंगे 151 फ्रेम पर। और अब देखते हैं, इसको हम सेट कर देंगे फ्रेम 0 पर। अब ठीक है, अब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लो घूम रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी एक एक फ्रे इसकी एक इमेज रेंडर करेंगे, क्योंकि हम इसकी कंपोजिटिंग भी करेंगे, इसमें इसकी एक इमेज रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज, इसकी एक इमेज रेंडर करनी है, और फिर आपको
कॉम्पोजिटिंग टैब पर जाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर एक सब डिवीजन मॉडिफायर भी ऐड करना है, और आपको सब डिवीजन लेवल सेट करना है 2 पर या फिर 1 पर, जो आपका कंप्यूटर हैंडल करता है। और फिर आपको इमेज जेंडर कर ली, आपको जाना है कॉम्पोजिटिंग टैब पर, और फिर यहाँ पर आपको चेक करना है यूज नोड्स, फिर आपको ऐड करना है रेंडर लेयर्स, और फिर आपको सर्च करना है कॉम्पोजिट नोड, और फिर इसमें आपको इमेज को इमेज में कनेक्ट करना है, फिर आपको सर्च करना है व्यूअर नोड, सर्च व्यूअर नोड। और फिर आपको शिफ्ट दबाना है, माउस पर राइट क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। तो आपके देख सकते हैं ये नोड्स जुड़ गए हैं। वैसे 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 इतना सेटअप तो आपका डिफॉल्ट बन के आएगा जब आप कॉम्पोजिटिंग वर्क स्पेस पर जाएंगे, इतना सेटअप आपका डिफॉल्ट बन के आ जाएगा। वो तो मैंने नोट्स को डिलीट कर दिया था ना, इसलिए मैं मुझे ऐड करना पड़ रहा है, वरना आज जब आप कॉम्पोजिटिंग सेटअप पर जाएंगे तो आपके ये नोट्स और ये दोनों नोट्स बन के आएंगे। तो आपको फिर शिफ्ट दबाना है और फिर राइट क्लिक करना है, फिर ड्रैग करना है, और फिर आपको ऐड करना है डी नॉइज नोड, क्योंकि हम साइकिल्स पर रेंडर करेंगे इसको, तो इस पर नॉइज़ आएगी, तो नॉइज़ को हटाने के लिए डी नॉइज नोड ऐड करना है। फिर आपको ऐड करना है इस पर एक सर्च करना है आपको ग्लेयर नोड, और यहाँ पर इसको लगा दीजिए। फिर ये जो स्ट्रीक्स को आपको सेट करना है फॉग ग्लो पर, और फिर पहले इस मिक्स वैल्यू को सेट कर पूरा लो कर देते हैं -1, और इसको फिर हल्का हल्का सा बढ़ाते हैं। और इतना ग्लो ठीक नहीं है, इतना ग्लो ठीक है। और ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इसको पहले 0 कर देते हैं, और फिर इसको हल्का हल्का सा बढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट 5, और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इसको पूरा 1, इसको 1 पर सेट कर देते हैं, और इसको बढ़ाते हैं, इतना इतनी वैल्यू ठीक है। और नहीं, ये तो बहुत, इसमें तो ग्लो पूरा चला गया। अब ठीक है, अब आपको ऐड करना है RGB कर्व्स नोड, RGB कर्व्स, और ये जो बीच की वैल्यू है इसको थोड़ा सा नीचे पुश करना है, जो कर्व्स दिख रहा है इस कर्व में जो मिड पॉइंट है उसको नीचे पुश करना है, और हल्का सा नीचे आपको इसको पुश कर देना है। और फिर ये जो बी आपको बी दिख रहा है, बी का मतलब है ब्लू, और फिर ये इसके मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा नीचे पुश कर देना है आपको। अब ठीक है, फिर आपको आपको वापस ग्लेयर नोड पे आना है, जो साइज वैल्यू दिख रही है उसको आपको एक पॉइंट बढ़ा देना है, और इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को भी आपको थोड़ा सा कम कर देना है ताकि ग्लो आए। और फिर आपको एक कलर ओ आपको ऐड करना है कलर करेक्शन नोड, ओ नहीं सॉरी, कलर बैलेंस नोड को ऐड करके यहाँ पर आपको सेट कर देना है। और फिर ये जो लिफ्ट 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 है इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देना है, और फिर ये जो गामा वैल्यू है इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, ब्राइट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे पिंक पिंक सा आने लगे कुछ। लिफ्ट वैल्यू को थोड़ा सा डार्क कर देना है, अब ये जो गेन वैल्यू है इसको भी थोड़ा डार्क कर देना है। हल्का सा ब्राइट कर देते हैं, बहुत ज्यादा डार्क हो गया है। ये जो गामा वैल्यू को सही नहीं आ रही कुछ, इसको ब्राइट करके देखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, डार्क करके देखते हैं। इस गामा वैल्यू को डिफॉल्ट पर ही सेट कर देते हैं, कितना था बीच में, अब ठीक है।
और लेफ्ट वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, एकदम स्लाइटली बढ़ाएंगे इसको, और ये जो गेन वैल्यू है इसको स्लाइटली कम कर देंगे, और थोड़ा सा इसको स्लाइटली और इसको डार्क करेंगे। तो हमारा एनिमेशन तैयार हो गया, इसकी कॉम्पोजिटिंग भी हो गई है, डिनॉइज नोड को मत भूलिएगा। और अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको ये जो व्यू लेयर टैब दिख रही है, आपको यहाँ पर डिनॉइजिंग डेटा को ऑन कर देना है, और फिर ये जो नॉइजी इमेज को इस इमेज में जोड़ देना है, ये डिनॉइजिंग नॉर्मल को इस नॉर्मल में जोड़ देना है, इस एल्बिडो को एल्बिडो में जोड़ देना है। तो अब आपका एनिमेशन एकदम तैयार हो गया है, और अब इसको रेंडर करते हैं। रेंडर रेंडर एनिमेशन और रेंडर सेटिंग्स तो मैं बताना भूल गया आपको। सबसे पहले यहाँ पर ये जो फोल्डर का दिख रहा है इसको दबाना है, और फिर अपना एक फोल्डर सेट करना है जहाँ पर आपको इस एनिमेशन की वीडियो को स्टोर करेंगे, और फिर आपको फाइल फॉर्मेट में आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट होगा PNG, आपको सेट करना है FFmpeg, और फिर कलर मैनेजमेंट कुछ नहीं करना है, आपको एनकोडिंग पे आना है। यहाँ पर आपको आउटपुट क्वालिटी रखना है परसेप्चुअली लॉसलेस, और मैट्रोस्का इसको रखना है MP4, और इस कलर मैनेजमेंट में अब मैंने आपको बताया था इसको वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रखना है। तो बस इतना ही है, इस एनिमेशन को रेंडर करके देखते हैं। रेंडर एनिमेशन, बस खत्म आज की वीडियो, इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।